फर्स्ट आउँदा लागि थियो अब सानी के हुन्छ होला तर यति सिक्नु पायो तपाईँहरूबाट होइन तपाईँले यति गर्नुभएको रहेछ यस्तो च्यालेन्जेस फेस गरेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो गाउँलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो होइन अब मैले बहुत कुछ सिका पर मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा कि यहाँ के जो आप जो गाइस है वो लोग बहुत आप सबके तरफ तो बहुत ज़्यादा आते भी हैं और हमारे तरफ मतलब मीटिंग होने से या तो कुछ प्रोग्राम होने से आता ही नहीं हो तो इसलिए जो हम लोग क्लब को बारे में भो हाई वहाँ धीरे इंसपायर होने भर भाई भन्न भाई हाई सो आई जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट देम दैट कीप डुइंग योर ऑन वर्क हाई तब करते जानूस हाई लाइक हामी पनि अहिले त्यस्तै क्लबहरूमा हामी पनि किनभने मेरो जुन एउटा अनलाइन वेबिनार भएको थियो र साक्षी दिदी जस्तै अब कता कता त जानु त पाइनँ बिकज अफ कोरोनाको सिचुएसनले गर्दाखेरि तर अनलाइन नै त्यस्तो सेलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ म डिप्युटी मिनिस्टर अफ पिस एन्ड जस्टिसमा सेलेक्सन हुँदाखेरि मलाई तपाईँको यस्तै अनुग्रहबाट चाहिँ दुईजना यस्तो हाई पोस्टतिर लाइक नेसनल पार्लियामेन्टहरूबाट दुईजना चाहिँ पोस्टतिर बसिरहेको स्पेसली यो चाहिँ मेरो लागि एन्ड मेरो संस्थाको लागि एन्टायर दार्जिलिङको लागि चाहिँ एउटा गर्वील छ त्यो प्यासन छ र तपाईँहरूकोबाट सिकेर चाहिँ अब हाम्रो नानीहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँमा गएर कसरी त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई उनीहरूले आफ्नो गाउँ बोलाउने अब प्लान टिम क्योंकि हामी आप लोगों से बहुत कुछ प्रेरणा इन्सपायर वी आर भेरी मच इन्सपायर्ड स्कूल में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं फिर भी उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए यहाँ के बच्चे आगे बढ़ने के लिए हेलो एवरीवन myself Sachi Thapa as you all know and today I'm your host plus dost so today I will be showing you the event which has happened in the Book Thief Open Library which I have already shown you in my first episode so hello everyone once again as you know that we have an event small event in which the children's from different children's club has came to our Nagari farm from far away and they had a really good I hope that they had a really good traveling so now we will be doing a little bit of small interview with them as well as I will be telling you a bit about what happened in our event so let's begin So as you know that the Book Thief Open Library is a library opened by Mrs. Srijana Subba. So now what happened is in our event which has already happened, the children from Siliguri has came into our Nagari and they talked about their club and we also told them what our club is doing, what our club is about. So let's go. So here we have our first participant. So can you give a little bit of introduction to our friends? Hello, myself I'm Sneha Minj and I'm from Panigata. So what is your club's name? I mean which club do you represent? The name of my club is Angels Group which is formed from Seva Kinja. Okay. So आजको यो हाम्रो जुन चाहिँ इभेन्ट भएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले के सिक्नुभयो हामी त फर्स्ट आउँदालाई थियो अब सानी के हुन्छ होला तर यति सिक्नु पायो तपाईँहरूबाट होइन तपाईँले यति गर्नुभएको रहेछ यस्तो च्यालेन्जेस फेस गरेर पनि तपाईँहरूले आफ्नो गाउँलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो होइन अब चिल्ड्रेन्सकै अब ठुलो मान्छे अब तपाईँहरूले यो प्रुभ गर्नुभयो कि नानीहरू पनि सक्छ ठुलोभन्दा पनि अब गर्नु सक्छ सो वी आर रियली इन्सपायर्ड बाई यु अल अनि तपाईँहरूको र अब तपाईँहरूकोबाट हामीले जे सिकेको छौँ त्यो हामी आफ्नो गाउँमा पनि अब त्यही गर्छौँ सो तपाईँलाई यहाँनिर हामीसँग लाइक इन्टरप्रेट गरेर कस्तो चाहिँ लागिरहेको छ हामी त अब इन्डिभिजुअली अब मेरो कुरा गऱ्यो भने म चाहिँ पुरा इन्सपायर्ड भएको छु तपाईँबाट पनि अब तपाईँ मभन्दा पनि सानो तर पनि तपाईँले यति गरिरहनु भएको छ त अब सिक्नु चाहिँ पायो तपाईँसँग ओके थ्याङ्क यू भेरी मच नाउ अब हामी हाम्रो अर्को पार्टिसिपेन्टसँग बात गर्न गइरहेको छु सो हाई हेलो तपाईँको नाम चाहिँ के हो मेरो नाम राम खिरवार है म सिमलबाडी मालिबिता से एन्ड माई ग्रुप इज प्रेरणा चिल्ड्रेन ग्रुप फ्रम सिमलबाडी ओके तो फिर आप इतने लाइक दूर से ट्रैवल करके आए सिलीगुड़ी राइट तो फिर आपने हमारे इस इवेंट से क्या सीखा लाइक कुछ सीखा होगा वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा पर मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा कि यहाँ के जो आप जो गाइस है वो लोग बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे आपने सोचा कि हाँ अब कोई सही प्रॉब्लम हो आप सोचते हैं कि मैं कर लूँगा आपके मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं अपने गांव में जाके भी ये सब बोलना चाहूँगा कि कुछ भी होने से गिव अप ना कीजिए पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक यू सो अभी हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट सो एक्सक्यूज मी हाय हेलो आपका नाम क्या है माय नेम इज अविनाश राव
सो आपको वहाँ पे सिलीगुड़ी के आपके क्लब्स और यहाँ पे हमारे क्लब्स में सिमिलरिटीज क्या लगी, लाइक कुछ अच्छा लाइक बुरा? इधर का मम्मी पापा सब अच्छा है, बच्चे लोग को सपोर्ट करते हैं, हम लोग का उधर उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असित है, मैं गंगाराम से हूँ और हमारे ग्रुप का नाम सृष्टि दृष्टि चिल्ड्रन क्लब। आप तीनों एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं। सो आपने क्या डिफरेंसेस देखे इधर और उधर में? जैसे कि आप सबके तरफ तो बहुत ज़्यादा आते भी हैं और हमारे तरफ मतलब मीटिंग होने से या तो कुछ प्रोग्राम होने से आता ही नहीं, मतलब इसलिए। और हमारे तरफ तो जमा ही नहीं होता और आपके तरफ तो सभी कोर्स सभी तरफ से सपोर्टेड मिलता है, पर हमारी तरफ नहीं मिलता। अच्छा, तो ये आपको डिफरेंस लगी। सो अभी हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाएंगे। सो हाय। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजना कुजूर है और मैं गंगाराम से हूँ और मेरे ग्रुप का नाम है प्रगति। सो जैसे कि आपको पता है, मैं सभी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपने क्या सीखा, आपने क्या किया, सिमिलरिटीज डिफरेंसेस। तो फिर आपको क्या लगता है कि हमारे क्लब में आपको हमारे क्लब के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं, आप हमारे क्लब के लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? सजेस्ट नहीं, पर आप लोग जैसे हैं, आप लोग से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली कि जैसे कि आप लोग ने बताया कि बहुत से ऐसे जगह है यहाँ पर ऊबर का बार भी है, मतलब कि हम लोग पहले ग्रुप में गए थे ना, तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों को स्कूल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो रास्ता तो ठीक नहीं है, साइकिल भी आ जा सकता है, गाड़ी भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप लोग का इधर सीढ़ी सीढ़ी है, हम लोग उधर प्लेन है, हम लोग उधर थोड़ा पैदल भी चल सकते हैं। मगर हम लोग जब आए यहाँ पर, हम लोग गाड़ी से आए, पर जब हम लोग पहले आए थे यहाँ पर दूसरे ग्रुप में, वहाँ पर हम लोग आधे पैदल आए, आधे गाड़ी में, उन लोगों को तो कुछ नहीं लगा, लेकिन जो लोग पैदल आए उन लोगों को पता चला कि हाँ इधर के बच्चे को भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो फिर आप लोग यहाँ पर स्ट्रगलिंग नहीं होती इतनी ज़्यादा। सो थैंक यू, आपने हमारे इस क्लब से लाइक हमारे इस इवेंट से क्या सीखा? हमने तो यहाँ आके बहुत कुछ सीखा, जैसे कि आप लोगों ने इतना यानी कि इतना परेशानी वो करके भी आप लोग इतना बड़ा लाइब्रेरी खोले और बहुत कुछ सीखने को मिला ये नए नए बुक्स देख के हमको। सो हमें भी आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो अभी हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को फिर जाने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमारे इस नगर में 13 क्लब से, मैं सभी के नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन हमारा जो क्लब है, मैं जिस क्लब में हूँ उसका नाम है नवोदया चिल्ड्रंस क्लब एंड बाकी क्लब से NIYC, प्रगति एसेट्रा। सो अभी हम दूसरे पार्टिसिपेंट से बात करेंगे। सो हेलो, हाय। सो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैनिका छेत्री है। और अब तपाईं कुन चाहिँ क्लबलाई रिप्रेजेंट गर्नुहुन्छ? मुस्कान चिल्ड्रन्स क्लब। सो तपाईँले चाहिँ यहाँ हाम्रो इभेन्टमा पार्टिसिपेट गरेर यस्तो लङ बाटोबाट ट्राभल गरेर आएर चाहिँ के चाहिँ सिक्नु भयो? मैले चाहिँ तपाईँहरूकोबाट यो सिकेँ कि मलाई थाहा थिएन यस्तो पनि छ, तर तिम्रोमा यति ट्यालेन्ट छ, तर मैले तिम्रैबाट ट्यालेन्ट हल्का सिकेँ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब मैले कपी क्याट गरेँ तिम्रोबाट अलिकति। अब तिमीहरूको भर्खर दादाले भन्नुभएको थियो अघि 26 जनवरी रिपब्लिक डेको कसरी प्रोग्राम चाहिँ एटेन्ड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, अब यही मैले चाहिँ फेरि मेरो ग्रुपमा मेरो गाउँमा गएर चाहिँ यही खालको एटेन्ड गर्नु मन छ भनेर चाहिँ अलिकति मेरो इच्छा लाग्यो, किन तिम्रोमा त्यो ट्यालेन्ट छ भने हाम्रोमा नै हुनसक्छ होइन, किन त्यही हाम्रो भावना हो एउटा, त्यही लागि चाहिँ मेरोमा पनि एउटा ट्यालेन्ट होला भनेर म ट्राई गर्छु, ट्राई अगेन, थ्याङ्क यू। सो आई होप यु विल ट्राई। सो नाउ वी ह्याभ फिनिस्ड टकिङ विथ आवर लाइक चिल्ड्रेन विथ द चिल्ड्रन्स अफ आउट अफ द अदर चिल्ड्रेन्स क्लब हु वेयर फ्रम सिलिगुडी। सो नाउ आज चाहिँ हामी लाइक हाम्रो नेसनल चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टको भाइस प्रेसिडेन्ट साक्षी राईसँग बात गर्नेछौँ। सो हियर वी गो। हाई। Hello, Saksha. So, as we have met before as well in our episode 2, so, like, tapai like kasto feel hundesa aile gari ki tapai vice president ko post ma hununcha? Okay, thank you for inviting me in your show. And firstly, malai vice president huda feri euta ramro pani lagirheko chha hai, because maile first ma ta I was
नेशनल मिनिस्टर फर पीस एंड जस्टिस त्यही भएर चाहिँ एन्ड देन मेरो पोस्ट अलिकति उयस भएर आयो भएर चाहिँ नाउ आई एम द भाइस प्रेसिडेन्ट सो आई एम भेरी ह्याप्पी फर द्याट है किनभने मैले आफ्नो सोसाइटीको लागि केही उयसहरू गर्न पाउँदैछु सो आई एम रियली ह्याप्पी सो लाइक तपाईँ नाउ द चिल्ड्रेन्स क्लबबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ सो तपाईँको थट्सहरू के छ लाइक हाम्रो सिलगढीको नानीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ फर्स्टली आइएम भेरी ह्याप्पी है आज हामीलाई भेट्नु सिलगढीको उयसहरू आउनुभएको थियो है सो आइएम भेरी ह्याप्पी टु मिट देम अगेन किनभने हामी पहिला पनि भेटेकै हो सो हामीले उहाँहरूलाई जुन चाहिँ हाम्रो क्लबको बारेमा भन्यो है उहाँहरूले धेरै नै इन्सपायर्ड हुनुभयो भन्ने पनि भन्नुभयो है सो आई जस्ट वन्ट टु सजेस्ट देम द्याट किप डुइङ यर अन वर्क है तपाईँहरू वर्क गर्दै जानुहोस् है लाइक हामी पनि अहिले त्यस्तै क्लबहरूमा हामी पनि प्रोग्रामहरू गर्दैछौँ उहाँहरूले पनि गर्नुहुँदैछ सो हामीले पनि अब यसरी नै भन्छु कि तपाईँको भोइस रेज गर्नुहोस् है तर गिभअप चाहिँ कहिले नगर्नुहोस् वाट इन गुड थट सो र अब चाहिँ हामी हाम्रो नै यही दार्जिलिङबाट नै बिलोङ गर्ने हाम्रो नेक्स्ट डिप्युटी मिनिस्टर अफ पिस एन्ड जस्टिस नेसनल चिल्ड्रेन्स पार्लियामेन्टको आस्था नानासँग बात गर्नेछौँ सो हाई हेलो सो तपाईँलाई जस्तो कि साक्षी नानाले जस्तो तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ तपाईँ नेसनल पार्लियामेन्टको यस्तो ठुलो पोस्टमा बसिराख्नु भएको छ मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि म आफूलाई धेरै प्राउड फिल लाग्छ कि किनभने मेरो जुन एउटा अनलाइन वेबिनार भएको थियो र साक्षी दिदी जस्तै अब कता त जानु त पाइनँ बिकज अफ कोरोनाको सिचुएसनले गर्दाखेरि तर अनलाइन नै त्यस्तो सेलेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ म डिप्युटी मिनिस्टर अफ पिस एन्ड जस्टिसमा सेलेक्सन हुँदाखेरि मलाई आफूलाई एउटा प्राउड फिल पनि आएको थियो र मैले धेरै कुराहरू अब यतैतिर पनि चाइल्ड लेबरहरू त्यस्तो पुरै केसेसहरू हुन्छ र त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ म साक्षी दिदी एकअर्काले हामी एकअर्कासँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ हामी त्यस्तो केसेसहरू पनि हेर्छौँ र बम्बई हाइकोर्टको पनि हामीले कतिवटा त्यो एउटा केसेसहरू पनि चल्दै थियो र त्यो केसेसलाई पनि हामीले हाम्रो बेस्ट ट्राई दिने हामीले ट्राई गरेँ र म आफूलाई धेरै प्राउड फिल लाग्छ सो तपाईँ कुन चाहिँ क्लबबाट बिलोङ गर्नुहुन्छ हाम्रो फ्यान्सहरूलाई हाम्रो फ्रेन्ड्सहरूलाई भनिदिनुहोस् सो आई बिलोङ टु प्रगति चिल्ड्रेन्स क्लब मङ्गरजुङ दाइको सो तपाईँ चाहिँ प्रगति चिल्ड्रेन्स क्लबमा चाहिँ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी त्यस्तो टाइपको कुनै पोस्टतिर हुनुहुन्छ प्रगति चिल्ड्रेन्स क्लबको चाहिँ म प्रेसिडेन्ट हो एन्ड तपाईँ चाहिँ म चाहिँ नौदर चिल्ड्रेन्स क्लबको सो नाउ आई वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस आवर सर आवर अनरेबल सर हु हेभ इन्सपायर्ड अस भेरी मच फर डुइङ दिस टाइप अफ थिङ सो हाई सर हेलो सो प्लिज इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ टु आवर फ्यामिली माइसेल्फ तेज कुमार थापा आइ एम चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर फ्रम अनुगाले दार्जिलिङ डायसेस सोसल सर्भिस सोसाइटी दार्जिलिङ सो हाउ डु यु फिल लाइक तपाईँको यस्तै अनुगलाबाट दुईजना यस्तो हाई पोस्टतिर लाइक नेसनल पार्लियामेन्टहरूबाट दुईजना चाहिँ पोस्टतिर बसेर स्पेसली यो चाहिँ मेरो लागि एन्ड मेरो संस्थाको लागि एन्टायर दार्जिलिङको लागि चाहिँ एउटा गर्वको कुरा हो कि हाम्रो हिल्स क्षेत्रबाट सिभिल क्षेत्रका नानीहरू है राष्ट्रिय स्तरमा अब एउटा नेसनल लेभलमा चाहिँ एउटा पोस्ट होल्ड गर्नुहुँदैछ है दे आर द एज अ मिनिस्टर्स नेसनल लेभलमा सो दिस इज द भेरी प्राउड मोमेन्ट फर अस एन्ड ओभियसली इज द फर द हिल्स सो थ्याङ्क यू भेरी मच सर सो नाउ एज यु हेभ फिनिस टकिङ टु एभ्री वान सो नाउ लाइक यु क्यान सी दि वेदर इज प्रिटी लाइक not good right now it's raining I would like to introduce you all to our CPWs as well so please let's go and welcome our CPWs we are here for our CPW workers so hello so like I think tabita CPW haina la mo project coordinator ho from seva kendra okay so what's your name my name is Alisha Yadav and I'm from seva kendra Siliguri सो हाउ डु यु फिल तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई फर्स्ट अफ अल त यहाँनिर आएर मलाई एकदमै आइएम मेरो चाइल्डहुड डेजहरू आइएम गेटिङ रिमाइन्डेड अफ बिकज आई वाज ब्रट अप इन दार्जिलिङ ओन्ली र फेरि पनि मलाई त्यो चाइल्डहुड डेजहरू एकदमै याद आइरहेको छ र तपाईँहरूसँग भेटेर त झनै म इन्सपायर भइरहेको छु होइन मलाई आफ्नै जग्गा आइरहेको जस्तै भइरहेको छ र तपाईँहरूको यति राम्रो एक्टिभिटिजहरू यति राम्रो इन्टरेक्सन्सहरूले गर्दा म एकदमै खुसी प्लस म धेरै सिकिरहेको छु र त्यो कुरालाई सिलगढीमा कसरी अब म लगाउने भनेर म पनि मेरो दिमाग चलाउँदैछु ओके सो तपाईँलाई यहाँको र सिलगढीको र दार्जिलिङको सिमिलरिटिजहरू चाहिँ के लाग्यो सिलगढी र दार्जिलिङमा सिमिलरिटिज भन्नुपर्दा त वेदर त झन् एउटा सिमिलरिटिज होइन है सिलगढीमा एकदमै गर्मी हुन्छ अहिले त झन् गर्मी पनि सुरु भइसक्यो त्यही भएर अलिअलि च्यालेन्जेस छ बट सिमिलरिटिजमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ नानीहरू एउटै छ है हाम्रो नानीहरू पनि तपाईँहरू जस्तै छ है र उनीहरूले पनि सिकिरहेको छ र नानीहरूमा त्यो जिल छ त्यो प्यासन छ र
तपाईहरुकोबाट सिकेर चाहिँ अब हाम्रो नानीहरुले चाहिँ आफ्नो गाउँमा गएर कसरी त्यस्तै गरेर तपाईहरुलाई उनीहरुले आफ्नो गाउँ बोलाउने अब प्लान गर्दैछ है त सो द्याट तपाईहरुको यहाँको नानीहरुले पनि उनीहरुको जग्गामा गएर केही सिकोस् आओस् र इन्सपायर गरिदियोस् भन्ने त्यस्तो भइरहेछ सो थ्याङ्क यू भेरी मच सो अब हाम्रो अर्को सिपिडब्ल्यूसँग बात गर्ने छ सो हेलो हेलो सचा सो तपाईँको नाम चाहिँ मेरो नाम प्रमिला कुजुर हो म सिलगढी सेवा केन्द्रबाट सो तपाईँलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो सिलगढी र हाम्रो नागरिक चिल्ड्रेन्स क्लबहरूमा डिफ्रेन्सेस चाहिँ के लाग्यो डिफ्रेन्सेस चाहिँ के छ भन्नु अब पहिला त वेदर नै हो जसरी पहिला अलिसाले भन्नुभयो वेदर हो तर बेसी डिफ्रेन्स छैन हाम्रो नानीबाट तर यहाँ मैले के देखेँ नानीहरू पुरा इन्थुजियास्टिक छ पुरा करेजियस छ होइन के गर्नुको लागि अन्त हामी चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई यहाँ किन ल्याएको छु भन्नु के भन्दाखेरि इन्सपायर होस् यहाँको नानीहरू तपाईँबाट सबै नानीहरूकोबाट देखेर इन्सपायर होस् अन्त हामी यो कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो एरियामा गएर चाहिँ हामी लागू गर्न सक्छौँ अन्त हामी तपाईँहरूलाई पनि कम्पिट गर्न सक्छौँ सो तपाईँलाई यहाँनिर आएर कस्तो फिल भइरहेको छ म त पुरा खुसी छु नि मलाई यस्तो फ्रेन्डली त्यो मिल्दैछ ट्रिटमेन्ट मिल्दैछ अन्त कस्तो खुसी लाग्दैछ मलाई सबै नानीहरूलाई मिलेर म एकदम खुसी छु हेलो सो तपाईँको नाम चाहिँ माइ नेम इज अनिल बागवार और मैं सिलगढी सेवा केन्द्र से आया हूँ और मेरा फील्ड एरिया है गंगाराम मैं गंगाराम में CPW के रूप में काम करता हूँ सो आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है कि हाउ आर यू फीलिंग यहाँ आके बच्चों से मिल के बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ आके हम लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे का सिचुएशन जो है और यहाँ का जो है वो सारे अलग है और यहाँ के बच्चों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला अभी हम भी बच्चे को जाके यहाँ के बच्चों को उदाहरण देंगे और उन लोगों के भी आगे बढ़ने के लिए सिखाएंगे थैंक यू वेरी मच आपसे मिलकर अच्छा लगा हेलो हाय तो आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है मेरा नाम पेतरुष खाका है मैं CPO हूँ लाइक अतेज सर ऑफ सेवा केंद्र तो आपको यहाँ पर आके कैसा लगा आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले भी एक बार आ चुका हूँ ये लाइब्रेरी में यहाँ पे मैंने आके देखा है और यहाँ से जाके मैंने अपने फील्ड स्टाफ को भी बताया कि मैं उधर गया था मुझको एक्सपोजर एक्चुअली मैं ओरिएंटेशन में आया था लेकिन एक दिन ओरिएंटेशन होके दूसरा दिन मेरा एक्सपोजर इन्होंने किया मैं इधर आया और यहाँ का फील्ड में मिला कुछ कुछ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन क्लब के मेम्बर के घर पर भी गया वहाँ पर फिर विजिट किया फिर इधर आके फिर दूसरा दिन हम लोग वापस गए आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के चिल्ड्रंस क्लब और वहाँ के चिल्ड्रंस क्लब में सिमिलरिटीज़ क्या है सिमिलरिटीज़ तो ये है कि अभी हमारे बच्चे एक्चुअली में ऐसा हुआ कि फॉर्मेशन लगभग साथ ही में हुआ है लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा है और हम लोग वहाँ पर कम है लेकिन अचीवमेंट जो है मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा हुआ है तो हमारे बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर आके हम लोग भी बहुत खुश हैं सब हमारी टीम क्योंकि हमें आप लोगों से बहुत कुछ प्रेरणा इंस्पायर वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड विथ ऑल ऑफ यू तो मैं हम लोग के बच्चों लोग को यही आशा करता हूँ आई होप दैट दे विल लर्न एंड दे कैन अप्लाई एवरीथिंग व्हाट एवर दे हैव लर्न दे आर लर्निंग सो अभी हम लोग हमारे दूसरे सिपिडब्ल्यू से बात करेंगे सो हाय हेलो आपका नाम क्या है मेरा नाम नीलिमा खालको है मैं सेवा केंद्र से बिलोंग करती हूँ सो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आके यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे जो फील्ड एरिया में है वहाँ के बच्चे यहाँ पे आके बहुत कुछ सीख रहे हैं और उनको ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि वे जाके अपने फील्ड में किस तरह से दूसरे बच्चों को आगे लाने में हेल्प कर सकते हैं सो आपको यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चे के साथ साथ कुछ और चीज़ों में भी आपको क्या डिफरेंसेस लग रहा है यहाँ प्लेन्स एरिया के अलावा यहाँ पे बहुत सारे रास्तों में स्कूल में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं फिर भी उन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए यहाँ के बच्चे आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो उसी तरह से जो हमारे फील्ड एरिया से जो बच्चे आए हैं वे भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे भी आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो सके
So thank you very much. So we have finished talking everyone. So as you know all that, I hope you have enjoyed our video. I hope you enjoyed all our talking with all of our friends. And it was really, really, really nice to meet you, as well as it was really good to visit them. So thank you for watching. And I will come back soon with my another video on Sunday with Swechha, as well as Darjeeling Mirror. So please like, share and keep watching Darjeeling Mirror and Sunday with Swechha. Thank you.